आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे आतिश तासीर की। तीन दिन पहले आपको पता ही होगा जो न्यूज़ पढ़ रहे हैं कि इनका ओसीआई कार्ड, ठीक है, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया जो बाहर रहते हैं, ठीक है, भारत में डुअल सिटीजनशिप है नहीं, लेकिन ये ओसीआई कार्ड जो है ये लगभग लगभग डुअल सिटीजनशिप की ही तरह है, जो सबसे नियरेस्ट है, इनका ये रद्द कर दिया गया आतिश तासीर का। तो आतिश तासीर जो है वो एक ब्रिटिश बॉर्न राइटर और जर्नलिस्ट हैं, ठीक है। तवलीन सिंह जो कि खुद भी एक बहुत बड़ी राइटर है, बहुत बड़ी कॉलमनिस्ट है, आपने उनके आर्टिकल्स देखे होंगे, बहुत सारे पेपर्स में वो आर्टिकल्स लिखती रहती हैं, पॉलिटिकल रिपोर्टर रही हैं, ठीक है, और भारत की हैं ये। इनके बेटे हैं, इनके पिताजी कौन हैं, इनके पिताजी हैं पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, काफी लिबरल पॉलिटिशियन सलमान तासीर। तो दोस्तों क्या पूरी कंट्रोवर्सी है हम देखेंगे। दोस्तों ये न्यूज में है इसलिए मैं इनकी बायोग्राफी आपके सामने लेके आ रहा हूं, बहुत कुछ हम जानेंगे इसमें। सेडेंट्स को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, दोनों ही जगह पे चलिए पीडीएफ भेज सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेन ड्राइव कोर्सेज हर एग्जाम्स के लिए आते हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। और दोस्तों 70% ऑफ चल रहा है इस समय, चिल्ड्रंस डे स्पेशल, जरूर कोर्सेज को अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो अगर हम बात करते हैं आतिश तासीर की, तो ये है कौन। 27 नवंबर 1980 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना, लंदन में ही जन्मे ये, लेकिन भारत में रहे, ठीक है, 2 साल से लेकर 10 साल तक ये भारत में रहे। शुरुआती पढ़ाई इन्होंने भारत में की, क्योंकि इनकी माता जी जो थी वो भारत की थी, ठीक है। तवलीन सिंह, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया शुरुआत में, तो भारत में रहे, भारत में पढ़ाई की, कोड़ईकनाल इंटरनेशनल स्कूल में इन्होंने पढ़ाई की, उसके बाद ये चले गए ब्रिटिश, ठीक है, लंदन चले गए, वहां पे रहे, फिर हम देखते हैं 26 साल से 35 साल तक फिर ये भारत में आए और इधर अप डाउन करते रहिए, कभी लंदन कभी भारत, लेकिन भारत क्योंकि इनकी माताजी भारत की हैं तो इनको ओसीआई कार्ड मिला हुआ था। 2000 से ओसीआई कार्ड इनको मिला हुआ है, जो कि नियरेस्ट है डुअल सिटीजनशिप के। अभी हम बात करेंगे ओसीआई कार्ड, एनआरआई क्या होते हैं, सबकी बात करेंगे, ठीक है ना। जो लोग बाहर रहते हैं वो ओसीआई कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका भारत का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों क्या है कि इन्होंने मैसाचुसेट्स में एमर्स्ट कॉलेज में पढ़ाई की और उसके बाद फिर अपनी आर्ट्स की डिग्री ली फ्रेंच की। काफी ज्यादा पढ़े लिखे इंसान है, अगर हम बात करें आतिश की, ठीक है, बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे इंसान है। टाइम मैगजीन में इन्होंने काम किया है और इसी पे ही पूरी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी दोस्तों। इसी साल कुछ ही महीने पहले जब इलेक्शन होने वाले थे, तो जब इलेक्शन होने वाले थे मई में, और मई में इन्होंने एक आर्टिकल लिख दिया था टाइम मैगजीन पर, उस पर कवर पेज पे कौन थे, मोदी जी की फोटो थी और उस पर डिवाइडर एंड चीफ लिख दिया था, इंडिया डिवाइडर एंड चीफ। तो बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि एक तरीके से उन्होंने बदला निकाला है आतिश तासीर से, ठीक है, कि जो काफी उसमें मोदी जी के बारे में काफी कुछ बोला था, ठीक है। अब वहां पे दो चीजें थी उस आर्टिकल में, मोदी जी की तारीफ भी थी और उसमें ऑन दी अदर एंड उनका क्रिटिसिज्म भी था, एक सिक्के के दोनों पहलू डिटरमाइन किए थे वहां पे, ठीक है। वहां पे मोदी जी को बताया था कि इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो उनके खिलाफ भी बोली जा रही थी। तो इसकी वजह से ऐसा बोला जा रहा है कि क्योंकि उन्होंने मोदी जी के खिलाफ ये पूरा आर्टिकल लिखा था टाइम मैगजीन में, इंडिया डिवाइडर इन चीफ, उसकी वजह से इनका ओसीआई कार्ड जो है वो रद्द किया गया है, ठीक है। तो पहले कर देना चाहिए था, इस समय क्यों किया, तो बहुत सारे सवाल जो है देश भर, क्या पूरी दुनिया भर का मीडिया ये उठा रहा है, क्योंकि दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े जर्नलिस्ट फर्म्स में इन्होंने काम किया, इन्होंने टाइम मैगजीन में काम किया है, इन्होंने प्रोस्पेक्ट में, फिर उसके बाद संडे टाइम्स, ब्रिटिश जो न्यूज़पेपर्स है, संडे टाइम्स, टेलीग्राफ, फाइनेंशियल टाइम्स, फिर उसके बाद एस्क्वायर, तो बहुत जगह इन्होंने अपने हाथ आजमाया है। और ये काफी बड़ी बड़ी फर्म्स, अगर आप जर्नलिज्म की बात करें, प्रिंट मीडिया की बात करें, तो टाइम मैगजीन को सबसे बेहतरीन माना जाता है भैया। टाइम पे अगर किसी, टाइम मैगजीन की कवर पे अगर किसी की भी फोटो आ जाती है तो शायद दुनिया में उसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है कि अरे बाप रे, टाइम मैगजीन कवर पे इसकी फोटो है, बहुत लोगों का तो ये ड्रीम ही होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहां पे हम बात करेंगे आतिश तासीर के पिताजी की। ये कॉन्ट्रोवर्सी शुरू होती है, एक्चुअली सरकार ने यह बोला है कि आतिश तासीर के पिताजी पाकिस्तानी है, ठीक है। अब दोस्तों ऐसा है कि आतिश तासीर का जब जन्म हुआ था 1980 में, और 1982 में ये भारत आ गए, ठीक है, जन्मे ये लंदन में, लेकिन इनकी माता जी इनको भारत ले आई, क्योंकि इनके पिताजी और इनकी माता जी की, तवलीन सिंह और जो इनके पिताजी हैं जिनका नाम है सलमान तासीर, उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी, ठीक है, बहुत ही खराब रिलेशनशिप एंड हुआ, और उसके बाद दोनों लोग भारत आ गए।
यहां तक कि आतिश तासीर ने 21 साल तक अपने पिताजी से मुलाकात नहीं की, समझ रहे हैं, 2001 में जाके इन्होंने अपने पिताजी से मुलाकात नहीं की, 21 साल तक कोई भी अपने पिताजी से बातचीत नहीं की। तो इनकी माताजी इनको भारत ले आई, भारत में इनकी एजुकेशन पूरी हुई। इस समय इनकी माताजी बताती हैं, क्योंकि वो भी बड़ी ज्यादा दुखी हुई कि जब उनको पता लगा कि उनके बेटे का जो OCI कार्ड है वो रद्द कर दिया गया, और एक तरीके से बेटे को फंसाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि दोस्तों जब ये आर्टिकल लिखा था टाइम मैगजीन में, तो संबित पात्रा ने, मुझे अभी भी याद है, संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने ये बोला था कि इनका, इनके जो पिताजी हैं वो पाकिस्तानी हैं और आतिश भी पाकिस्तानी है, तो पाकिस्तानी से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आतिश तासीर का ये बोलना है कि मैं 21 साल तक अपने पिताजी से नहीं मिला, मेरा कोई भी कॉन्टैक्ट अपने पिताजी से रहा ही नहीं। आज जो मेरी माँ है तवलीन सिंह, वो मेरी सोल गार्जियन है, तो उन्होंने मुझे अकेले पाला पोसा है। और यहाँ पे तवलीन सिंह खुद भी बताती है कि काफी मुश्किल हुई थी, कभी कभी तो फाइनेंशियल डिफिकल्टी भी काफी ज्यादा रहती थी, इतना आसान नहीं होता सिंगल मदर बनना, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पाला पोसा और तासीर को फिर इतना मतलब ऐसा बनाया कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके और दुनिया भर में नाम कमा सके। तो ये गलत है। इनकी माताजी ने भी पूरा एक आर्टिकल लिखा है बाकायदा इंडियन एक्सप्रेस में, मैं कल ही पढ़ रहा था, तो पूरा उन्होंने लिखा है, ठीक है, और अपनी जर्नी बताई, आप जरूर पढ़िएगा। तो आतिश तासीर की जर्नी जो है वो 2000 के बाद ही शुरू होती है, जब इन्होंने बहुत सारी जर्नलिस्ट फर्म्स में काम करना शुरू किया। पाकिस्तान पे इन्होंने बहुत कुछ लिखा। इनके पिताजी की 2011 में हत्या कर दी गई थी। इनके पिताजी, ठीक है, सलमान तासीर जो थे वो एक लिबरल पॉलिटिशियन थे, ठीक है, माइनॉरिटीज थी जो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज हैं, जैसे क्रिश्चियंस हो गए, हिंदू हो गए, उनकी आवाज थे सलमान तासीर। आसिया बीबी को ब्लास्फेमी के लिए सजा हुई थी, ठीक है, ऐसा बोला गया था कि आसिया बीबी जो है उन्होंने इस्लाम की बिल्कुल तौहीन की है, उनको मौत की सजा दी गई थी। तो यहां पे इनके पिताजी सलमान तासीर ने उनकी पैरवी की थी और बोला था कि इनकी मौत की सजा को माफ कर दिया जाए। बताना चाहता हूं कि जो इनके पिताजी सलमान तासीर थे वो पाकिस्तान में बहुत बड़े पॉलिटिशियन तो थे ही, साथ ही साथ पाकिस्तान का जो पंजाब है वहां के 26वें गवर्नर भी थे, ठीक है, तो बहुत बड़ी पोस्ट थी। तो यहां पे जब इनके पिताजी ने बोला कि आसिया बीबी की मौत की सजा माफ करो, तो कट्टरपंथियों के निशाने में आ गए और नवंबर 2011 में इनको एसासिनेट कर दिया गया। पता है किसने एसासिनेट किया? सलमान तासीर के खुद के ही बॉडीगार्ड ने AK-47 से 27 गोलियां दाग दी। बताइए, AK-47 से 27 गोलियां दाग दी, तो देख सकते हैं पाकिस्तान में लिबरलिज्म की कोई जगह है ही नहीं। वो बहुत लिबरल कहते थे कि समाज बिल्कुल सेक्युलर होना चाहिए, लिबरल होना चाहिए, कट्टरपंथियों को बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आया, गोली मार दी यहां पे सलमान तासीर को। तो इनके पिताजी को 2011 में असैसिनेट कर दिया गया। और अपनी जो जर्नी है, आतिश तासीर ने अपनी जर्नी के ऊपर एक पूरी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, हालांकि काफी किताबें लिखी हैं, पाकिस्तान के भी काफी क्रिटिक रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजों दोस्तों इन्होंने लिखी हुई है। इन्होंने ग्राउंड जीरो मॉस्क मैनहट्टन में, टॉलरेंट टेस्ट फॉर न्यूयॉर्क, इसके लिए लिखा हुआ है। फिर पाकिस्तान के ऊपर भी बहुत लिखा है। जब ओसामा बिन लादेन को 2011 में मारा गया, तब इन्होंने पाकिस्तान आर्मी की बड़ी आलोचना की थी, बताया था कि ओसामा बिन लादेन तो गेस्ट बन के बैठा है। और इनके पिताजी को जो मारा गया 6 जनवरी 2011 में जो असैसिनेट किया गया, तब तासीर ने लिखा था कि पाकिस्तान में सिचुएशन किस तरीके की है, और काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया था एक तरीके से। तो पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज्यादा लिखा है, भारत का व्यू क्या है पाकिस्तान के लिए वो भी लिखा है, व्हाई माय फादर हेटेड इंडिया, ये एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल इनका आर्टिकल था और बहुत एक तरीके से इनके मतलब निशाने पे आ गए थे। एक्चुअली एक मेटाफर था, ठीक है, ये बोलना, मेटाफर क्या होता है कि आप बोलना कुछ चाह रहे हैं, मतलब आप कुछ बोलते हैं लेकिन आपका जो इशारा है वो कहीं और होता है, ठीक है, मतलब एक बात से दूसरी चीज का मतलब पता चलता है, ठीक है ना। तो why my father hated India, ये एक तरीके का मेटाफर था, ठीक है, बोलना कुछ चाह रहे थे ये। और जब इस आर्टिकल में जो अंदर की बातें थी उसमें पूरा जो रिलेशन था पाकिस्तान का भारत से और पूरा कल्चर और हिस्ट्री को बताया गया था, पाकिस्तान का भी क्रिटिसिज्म था, लेकिन ये जो आर्टिकल है ये इस तरीके का नाम, अब देख ही रहे ना, why my father hated India, तो ये नाम से ही ऐसा लग रहा है कि यार ये तो बहुत ही गलत है, ठीक है। तो यहां पे बरबर के इनके ऊपर अटैक भी हुआ, ऐसा नहीं है, ठीक है, काफी लोगों ने इनको उल्टा सीधा बोला। उसके बाद दोस्तों इसी दौरान 2011 में ही उसामा बिन लादेन पे इन्होंने एक बहुत लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा और उसमें पाकिस्तान आर्मी को काफी क्रिटिसाइज किया, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक और आर्टिकल था दोस्तों, एक्चुअली पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट है और आतिश तासीर के बीच में ज्यादा बनती नहीं है, ठीक है, तो एक बार तो काफी ज्यादा लड़ाई भी हो गई थी, ट्विटर वॉर हो गया था, ठीक है, पाकिस्तान के तो जर्नलिस्ट एजाज हैदर
ठीक है, तो काफी ज्यादा ट्विटर वॉर हो गया था, उसमें शशि थरूर भी कूद पड़े थे और आतिश तासीर का फेवर किया था। ठीक है, पाकिस्तान की जो भी पॉलिसी रही है, आतिश तासीर काफी ज्यादा उसके क्रिटिक रहे हैं कि भैया ऐसा तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें। लेकिन 2014 में जब मोदी सरकार आई भारत में, है ना, तब यहां पे आतिश तासीर का स्टैंड थोड़ा बदल गया। और उसके बाद फिर दोस्तों जब 2019 में इलेक्शन हुए, तो उसमें टाइम मैगजीन पे, जैसा कि मैंने बताया कि इंडिया डिवाइडर इन चीफ, साथ ही साथ उसमें यह भी लिखा था कि अगले 5 साल, एक और 5 साल, एक और टर्म जो मोदी जी का आने वाला है, जो बीजेपी का आने वाला है, क्या भारत उसके लिए तैयार है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें लिखी थी, इसमें मोदी जी की तारीफ भी थी, ऑन दी अदर एंड क्रिटिसिज्म भी था, काफी आलोचना भी हुई। अब इसमें ये निशाने पे आ गए। ठीक है, तो ये चीज थी। 2016 में इनकी शादी भी हुई रैन डेविस से, है ना, शादी इन्होंने न्यूयॉर्क में की, और रैन डेविस भी काफी जानी मानी पत्रकार है, तो वहां पे इन्होंने रैन डेविस से शादी की न्यूयॉर्क में, तो ये सब कुछ हुआ। फिर हम ये देखते हैं कि 3 दिन पहले ही 8 नवंबर 2019 को ही तासीर का ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ठीक है, ये छीन लिया गया। ये है क्या ओसीआई? देखिए दोस्तों, ओसीआई जैसा कि मैंने बताया कि भारत में डुअल सिटीजनशिप तो है नहीं, ठीक है, तो ओसीआई आप ले सकते हैं अगर आप भारत में रहे हैं और अगर आप बाहर माइग्रेट कर जाते हैं। ठीक है, ये ओसीआई कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, अगर आप नेपाल में रह रहे हैं, भूटान में, अफगानिस्तान में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, अगर आपके जो एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज यहां के हैं, आपके माता पिता यहां के हैं, तो आपको ओसीआई कार्ड नहीं दिया जाएगा। अब जब 2000 में आतिश तासीर ने ओसीआई कार्ड के लिए अप्लाई किया था, तो अपनी मदर को सोल गार्जियन बताया था। यह सरकार की तरफ से तर्क आया है, होम मिनिस्ट्री की तरफ से यह तर्क आया है कि आतिश तासीर ने अपने पिताजी की बात छुपाई थी कि वो एक पाकिस्तानी है। ठीक है, लेकिन तब तक, जैसा कि मैंने बताया कि आतिश तासीर का अपने पिताजी से कोई संपर्क था ही नहीं, 21 साल तक उनके पिताजी से कोई मुलाकात नहीं हुई थी, और इनकी माता जी सोल गार्जियन थी इनकी। ठीक है, तो इसलिए हम देखते हैं कि इनको ओसीआई कार्ड दिया गया, और तब अटल बिहारी की ही सरकार थी, बीजेपी ही सरकार थी। ठीक है, तभी या तो मना कर देना चाहिए था, लेकिन उनको दे दिया गया। ओसीआई में दोस्तों क्या है कि यहां पे डुअल सिटीजनशिप पूरी तरीके से आपको नहीं मिलेगी। एक्चुअली दो, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन और ओसीआई, अभी 2016 की 2017 में दोनों को एक ही कर दिया गया। ठीक है, तो ओसीआई में क्या होता है दोस्तों, आपको वोटिंग राइट्स नहीं है। ठीक है, आप यहां पे कोई एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकते, लेकिन अगर आपके कोई पूर्वज का, आपके एंसेस्टर का कोई भी लैंड है, कोई भी जमीन है, वो आप ले सकते हैं। कोई आप ऑफिस नहीं होल्ड कर सकते, कोई भी कंस्टिट्यूशन ऑफिस नहीं होल्ड आप कर सकते, लेकिन यहां पे आप रह सकते हैं विदाउट वीजा। वीजा लेने की आपको जरूरत नहीं है, आप आसानी से यहां पे आ सकते हैं, भारत में आ सकते हैं, रह सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ओसीआई के ये बहुत बड़े एडवांटेज होते हैं। ठीक है, और बहुत लोगों के पास, लाखों लाखों के पास ओसीआई कार्ड है, जो कि भारत रह रहे हैं, भारत से बाहर रह रहे हैं। ठीक है, जो भी अमेरिका में, यूरोप में रह रहे हैं, उन सबके पास ओसीआई कार्ड है, जब चाहे भारत आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वोट नहीं कर सकते, वो एक अलग बात है। लेकिन अब दोस्तों हुआ क्या, अब यहां पे इनको सितंबर में ये इन्फॉर्म किया गया कि आपका ओसीआई कार्ड जो है वो रद्द किया जा रहा है। अब आमतौर पर दोस्तों 21 दिन आपके पास होते हैं, 21 दिन के अंदर आपको रिस्पॉन्ड करना होता है अगर आपका ओसीआई कार्ड रद्द किया जा रहा है, और जो भी होम मिनिस्ट्री आपसे बोल रही है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगने हैं, और जो पूछा है आप हमको जवाब दे, फटाक से जवाब दें कि क्यों हम आपका ओसीआई कार्ड रद्द ना करें। तो दोस्तों आपके पास 21 दिन होता है, अगर 21 दिन तक आपने कोई जवाब नहीं दिया, तो ओसीआई कार्ड आपका रद्द कर दिया जाएगा। तो अब आतिश तासीर बताते हैं कि 20वें दिन इनके पास होम मिनिस्ट्री का लेटर आया। तो एक तो इतना लेट लेटर भेजा, सिर्फ और सिर्फ इनके पास 24 घंटे थे, 24 घंटे में इनको तुरंत एक्ट करना था। आनन फानन में इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी किए, और उसके बाद फिर न्यूयॉर्क में जो इंडियन काउंसिल था वहां पे इन्होंने कांटेक्ट किया, सब कुछ लगाया, आंसर्स दिए जो भी होम मिनिस्ट्री द्वारा पूछा जा रहा था। उसके बाद फिर होम मिनिस्ट्री के पास हार्ड कॉपी भेजी, और वो पूरा स्क्रीनशॉट इन्होंने शेयर किया है। लेकिन उसके बावजूद दोस्तों 8 नवंबर को इनका ओसीआई कार्ड जो है वो रद्द कर दिया गया, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 में, उसके तहत, ठीक है ना, उसके तहत इनका ओसीआई कार्ड रद्द कर दिया गया। अब इनको भी बहुत ज्यादा झटका लगा, और उसके बाद अब बातें यही उठ रही हैं कि अगर आपको ये करना था तो आपको पहले करना था। ठीक है, वही चीज घूम फिर के बात आ जाती है कि जब से मई में ये आर्टिकल आया है, और आतिश तासीर जो है वो क्रिटिक रहे हैं, वो मोदी सरकार के क्रिटिक रहे हैं, ठीक है ना, उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए हैं, तो एक तरीके से ये बदले की राजनीति के रूप में देखा जा रहा है। अब इनकी माता जी, हालांकि जो इनकी तवलीन सिंह है, जो इनकी माता जी है, वो कहीं ना कहीं सपोर्टर रही है बीजेपी की, उनके लिए बहुत बड़ा शौक है कि ऐसा कैसे हो गया। अब वो तो खैर लीगल बैटल के लिए तैयार है, उनकी माताजी ने बोला है कि अब हम लीगल बैटल लड़ेंगे, कोर्ट में जाएंगे, इतना बड़ा इंडियन स्टेट, माइटी इंडियन स्टेट है,
और आज का तो और ज्यादा दिक्कत है, लेकिन उसके बावजूद हम कोर्ट में जाएंगे, लीगल बैटल लड़ेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो ये जो लंबी जंग है इसके लिए आतिश तासीर और इनकी माता जी ने भी कमर कस ली है। फिलहाल ये है कि पहले आतिश तासीर आराम से भारत आ जाते थे, इनकी दादाजी का घर यही था, यहाँ पे रहते थे, खान मार्केट था बगल में, दिल्ली आते थे और आसानी से अपने इंटरव्यूज देते थे, बहुत लोगों से मिलते भी थे। लेकिन अब इनको वीजा लेना पड़ेगा, ठीक है, अब आपका ओसीआई कार्ड जो है वो रद्द कर दिया गया और अब आपको वीजा लेना पड़ेगा। तो मैंने आपको ओसीआई कार्ड के बारे में भी बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं दोस्तों, बहुत अच्छी अच्छी इनफैक्ट किताबें लिखी हैं। एक तो इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, स्ट्रेंजर टू हिस्ट्री, अ सन्स जर्नी थ्रू इस्लामिक लैंड, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ये इन्होंने लिखी है, ठीक है, इनकी बहुत ही फेमस बुक है, ठीक है। फिर अभी इसी 2019 में द ट्वाइस बॉर्न लाइफ एंड डेथ ऑन द गैंजेस, ये 2019 में लिखी गई है, ठीक है। तो ये चीज है, किताबें भी इन्होंने काफी लिखी है। खैर, राइटर है, ऑथर है, जर्नलिस्ट है, तो ये सब तो लिखेंगे ही। तो देखेंगे दोस्तों आगे क्या होता है, सरकार क्या फैसला लेती है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।